हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लांट केयर विद सहर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रबर प्लांट के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको रबर प्लांट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन पता चले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में मैं आपको रबर प्लांट के बारे में बताना चाह रही हूँ। रबर प्लांट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, और ये प्लांट ऐसा है जो रबर प्लांट की तरह नहीं, स्पाइडर प्लांट की तरह दिखता है, लेकिन असली में ये एक रबर प्लांट ही है। कुछ लोग शायद समझते हैं कि रबर प्लांट है, लेकिन ये रबर प्लांट नहीं है। स्पाइडर प्लांट में पूरे मतलब स्पाइडर की शक्ल में होता है, लेकिन आप इसमें ये देख सकते हैं ये जो पौधा है वो ऊपर की तरफ अपने लीव्स लेके जा रहे हैं, तो उसको हम लोग स्पाइडर प्लांट नहीं कह सकते। तो रबर प्लांट में रबर प्लांट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि रबर प्लांट हैज़ नो एलर्जिक प्रॉपर्टीज़, रबर प्लांट हेल्प्स प्रिफर एयर, रबर प्लांट इज़ ईजी टू ग्रो एंड इट इज़ रियली गुड टू पुट इन, इट्स रियली गुड फॉर पुटिंग इट इनडोर, क्योंकि ये कुछ 7 प्लांट्स में से एक प्लांट है, ए बेस्ट इनडोर प्लांट में से आप कह सकते हैं इसको। और इसको रबर प्लांट को वाटरिंग चाहिए होती है, आप इसके रूट से वाटरिंग करा करें, लेकिन ग्रोइंग सीज़न में आप उसको लूप वार्म वाटर से अगर आप वाटरिंग करेंगे इसके ग्रोइंग सीज़न में, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से भी ग्रो होगा। और इसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इट्स 5 to 6 आवर्स सनलाइट इसके लिए प्रॉपर ठीक होती है। और ये आपके लिए वेल्थ की निशानी भी होता है, मनी की निशानी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो मनी सक्सेस ऐसे के लिए। और आप इसको इंडोर रखें तो आप लक भी आती है, बहुत लोगों ने कहा है कि लक भी होती है उससे, और जो टॉक्सिक एयर आपके अगर होते हैं, जैसे कि कोई टॉक्सिक एयर होती है हमारे, जो स्मोक होती है, जो भी गैस होती है, वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं प्लांट। इसलिए आपको अपने प्लांट्स को अपने होम में रखना चाहिए। इसको ज़्यादातर आप अपने लिविंग एरिया में और बेडरूम के विंडो के करीब रख सकते हैं, उधर रखने के लिए बेस्ट चीज़ है। और ये जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ छोटा छोटा प्लांट उसके बराबर में जो है, ये खुद ब खुद ग्रो हुआ है, ये हैरानगी की बात है, ये खुद ब खुद ग्रो है। और ये देखिए अभी ये ग्रोइंग स्टेज पर है, और जब भी ये इसका ग्रोइंग का सीज़न आए तो आप इसको लूप वार्म वाटर से इसको पानी डालें, उससे आपका ये होगा कि आपका प्लांट ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो होगा। बाकी के अगर ग्रोइंग सीजन नहीं है तो आप वैसे ही डेली वाटरिंग कर सकती हैं, और इसको 6 to 7 आवर्स वाटरिंग की जरूरत होती है। इतने सॉफ्ट होता है रबर प्लांट, जैसे कि अगर आप इसको स्क्वीज़ करें, आराम से स्क्वीज़ करें, क्योंकि मतलब टाइप ऑफ स्क्रैच की ऐसे करके आवाज़ आती है, जिससे शायद स्क्रैच आ जाए लीफ पर, लेकिन अगर आप उसको सॉफ्टली हाथ लगाएं कुछ करें तो ये बाकी के लीव्स की तरह थोड़ा सख्त नहीं होता। ये ऐसा होता है जैसे आपका पेंसिल का इरेजर होता है, बिल्कुल वैसे ही सेम टाइप हमारा ये रबड़ प्लांट होता है। इसलिए इसको हमने रबर प्लांट रखा है ना, क्योंकि ये बिल्कुल रबर, इसका जो लीव होता है ये बिल्कुल रबर की तरह मतलब सॉफ्ट होता है, और बहुत रबर की तरह सॉफ्ट होता है और बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।